गाइस, अगर पुष्पा फैन हो और आपको पुष्पा टू द रूल का बहुत बेसब्री से इंतजार है मेरी तरह, तो आपके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है और एक छोटा सा मजाक हुआ है पुष्पा के मेकर्स की तरफ से, जो कि मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। पहला चीज़ खुशखबरी, खुशखबरी ये है कि पुष्पा टू का एग्जैक्ट रिलीज डेट जो है वो 15 अगस्त का हो रहा है 2024, और इसका मतलब ये है कि सिंघम ठीक के साथ साथ इसका क्लैश होने वाला है, जो कि कोई कंपटीशन नहीं है, पुष्पा टू ही जीतने वाला है। और इस टीजर ट्रेलर में क्या हुआ है, मैं टीजर है बेसिकली, ट्रेलर नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मजाक क्या हुआ है। मजाक ये हुआ है कि जैसे ही मैक्सिमम लोगों ने इस टीजर को देखा, सबसे पहला रिएक्शन ये था, जो कि मेरी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड जो है उसका रिएक्शन था, इतना छोटा, क्योंकि ये सचमुच बहुत छोटा है, 1 मिनट 8 सेकेंड्स का ये एक टीजर है, और इसमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बताया गया कि इस मूवी में और क्या होने वाला है, इससे कोई भी रिलेटेड इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है। पुष्पा भाई का लुक देखने को मिला है, जो कि हमने एक पोस्टर पे देखा था, और छोटा सा स्टाइल देखने को मिला है, छोटा सा मारपीट देखने को मिला है। तो बेसिकली ये एक मूवी का एक सीन होने वाला है जिसको इन लोगों ने कट करके दिखाया है, एंड आई होप कि इन्होंने पूरा का पूरा सीन को स्पॉइल नहीं किया है, बिकॉज वो सीन बहुत पावरफुल नज़र आ रहा था, और पुष्पा भाई का स्टाइल भी बहुत नेक्स्ट लेवल का लग रहा था। बट जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस टीजर पे कोई भी रिलेशन नहीं है कि मतलब प्लॉट में क्या होगा, कोई इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिला है। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको 1 साल पहले जो IT ट्रेलर उसको देखना चाहिए, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि मतलब छोटा सा पार्ट, पूरा का पूरा मूवी का प्लॉट तो एक्सप्लेन नहीं किया गया है, इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, बट छोटा सा पार्ट है कि मूवी में क्या इन्वॉल्व होने वाला है, मूवी में किन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। तो अगर आपको ये सब जानना है तो आप उस ट्रेलर को देख सकते हैं। बट इस ट्रेलर में ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं गया, मारपीट दिखाया गया है, पुष्पा वर्मा का लुक दिया गया है, और बेसिकली एक टीजर है, तो टीजर को आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट क्योंकि कंसिडरिंग कि ये अप्रैल का महीना है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा मजाक है हम लोगों के लिए। इससे पहले जब मैंने उस ट्रेलर के ऊपर मैं वीडियो बनाया था, जब मैं वीडियो मेकिंग में उतना अच्छा नहीं था, मैं उतना प्रोफेशनल नहीं था, जिसके वजह से वो वीडियो बहुत क्रिंजी था, जिसमें बहुत प्यारा सा कमेंट आया था, तो इससे साबित होता है कि लोग आपको एंकरेज करने के लिए नहीं आते, बगैर आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश जरूर करेंगे, बट आपको मेरे जैसा बनना पड़ेगा कि आपको अपने काम को कंटिन्यू करना है, आपको क्रिटिसिज्म को अपने दिल पे मत लेना है और अपने काम को जारी रखना है। तो बेसिकली ये फिलोसफी क्लास नहीं है, मगर पुष्पा का फिलोसफी भी कुछ इसी टाइप का है, मैं झुकेगा नहीं फैला, तो इसमें भी वही चीज़ देखने को मिलेगा। और टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पुष्पा टू के लिए द रूल, और क्योंकि अभी 4 महीने बाकी है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि हमको और भी टीजर्स और भी ट्रेलर्स देखने को मिलेंगे, एंड वी कैन एक्चुअली थिंक कि हमको और भी पुष्पा भाई का हाइप बढ़ाया जाएगा, और भी मतलब अच्छे से एडवर्टाइज किया जाएगा, और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। टू बी ऑनेस्ट, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीक किया जाए, मैं नहीं चाहता कि और भी इन्फॉर्मेशन ऑडियंस को देखा जाए, तो क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मूवी देखने में मज़ा नहीं आएगा। और बस कुछ चीज़ें होते हैं जिसको मिस्ट्री रहना चाहिए, नहीं तो उसका मज़ा नहीं आता है। तो बस यही है इस वीडियो के लिए, इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कुछ अच्छी वाली, और मैं आपको मिलूँगा किसी और वीडियो में। अंटिल देन, देखते रहिए द डिमोनिक सिनेमास।